सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांस। स्वागत है आप सभी का हमारे कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में अभी मैंने आप सभी को एक लाइटनिंग इफेक्ट दिखाया। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया होगा, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है ये नॉर्मल आप आसमान में देखते होंगे कि इस तरह का लाइटनिंग इफेक्ट आता है। लेकिन दोस्तों क्या आप अपने वीडियो में इसको लगाना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, काइन मास्टर एप्लीकेशन से हर वो चीज़ पॉसिबल है जो आप इंस्टाग्राम पर रील देखते हो। चलिए इसको बताते हैं कि कैसे एडिट करना है। सबसे पहले दोस्तों साइड में आप देख लीजिए कि मैंने इस तरह का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्ड किया बेसिक सा सामने से गया और एक मैंने इस तरह का जो है वो पोज दिया। अब पोज देने के बाद उसी तरह का लाइटनिंग इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा सब कुछ वीडियो पे बताने वाले दोस्तों। तो चैनल पे नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए ले चलते हैं आप सभी को स्मार्टफोन के स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आप सभी को पूरा एडिटिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो इस तरह के रील को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जहाँ पे बेसिक सा इस तरीके से एक सैड मोमेंट देना है और फ़ोन आपको अपने ट्राइपॉड पे रखना है। और ट्राइपॉड पे रखने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से कुछ एक्शन करना है, ठीक ना। एक्शन करने के बाद सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा पार्ट जो भी होगा वीडियो का, सबसे पहला स्टेप में आप उसको कट करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया, ठीक है। देखिए ये जो भी पहला स्टेप है उसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को स्लोमो करना है, इस पे जाना है और आपको स्पीड पे जा करके 0.5 करना है, यानी कि वीडियो को स्लोमो पे करना है। स्लोमो पे करने के बाद जब आप अपने वीडियो को प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको वीडियो जो है वो देखने के लिए लगेगा, ठीक है। अभी दोस्तों सबसे पहले आपको और क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले इफेक्ट डालने से पहले आपको यहाँ पे अपने वीडियो को फिल्टर पे जाना है, कोल्ड पे जाके दोस्तों C02 पे जाके बढ़ा देना है उसको। और दोस्तों आप इस पे जो है वो एडजस्टमेंट पे जाके थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देंगे, थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ा देंगे, आपका वीडियो दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी वो जो इफेक्ट लगाना है वो इफेक्ट कहाँ से आप लगाएंगे, देखिए सबसे पहले ऐसे गए और यहाँ पे दोस्तों जो आप जब इस तरह का सीन आप करेंगे, ये देखिए जब इस तरह का आप सीन करेंगे तो बीच में आपको इफेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले इस पे जाएंगे और दोस्तों आपको क्या करना है, स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पे स्प्लिट कर देना है, यानी कि बीच से इसको दो भागों में बांट देना है। अभी देखिए उस तरह के इफेक्ट को लगाने के लिए सबसे पहले इस पे टैप करना है और इस पे टैप करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग ग्लिच, इसको आप ध्यान से देखिए, लाइटनिंग ग्लिच, इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको चार तरह का मिलेगा, इन चारों तरह में आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं इसको लगाया था, ठीक है। देखिए इसको अभी इसको लगाने के बाद क्या है कि ये देखिए ऑटोमेटिक ये हमारा इस तरीके से सेट हो जाएगा। अभी मैं आपको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा हुआ और देखिए ऑटोमेटिक इस तरीके से हो गया, ठीक ना। अभी मैं आपको बता दूं कि इसको लाने के लिए आपको करना क्या है, यदि आपके काइन मास्टर में वो नहीं है तो मैंने इसको तो डाउनलोड किया है। इस पे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे होम पे, और होम पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप एफेक्ट्स पे जाएंगे। इस पे जाके यहाँ पे आपको ढूंढना है कि भाई लाइटनिंग वाला इफेक्ट कहाँ है, ये देख सकते हैं कि स्पीड वाला है। इस तरीके से आप पूरा इसको ये करेंगे, आपको यहाँ पे लाइटनिंग वाला इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और बेसिक से लाइटनिंग वाला इफेक्ट मिलने के बाद आपको करना क्या है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको डाउनलोड किया है, इस वजह से मुझे वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको सबसे ऊपर पे जो लाइटनिंग वाला इफेक्ट है वो मिल जाएगा। देखिए बहुत सारा इफेक्ट है, आप कोई सा भी इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइटनिंग वाला इफेक्ट लगाने के लिए आपको वो ढूंढना पड़ेगा, वो मिल जाएगा क्योंकि आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है। देखिए यहाँ पे आया ना लाइटनिंग ग्लिच, तो इस पे क्लिक करके दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो ये मिल गया। लेकिन आप इसको नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा लाइटनिंग ग्लिच, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और लगा लेंगे और दोस्तों आपका वीडियो कुछ उस तरीके से बन करके रेडी हो जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर से आप सभी को हर एक चीज़ क्लियरली स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाला वीडियो, ये वाला ट्रिक बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। तो जाइए इस तरीके से एडिट कीजिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिए, आपका वीडियो भी वायरल जाएगा। चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।